Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Noor Kids Academy. आज हमारी क्लास नंबर 5 और आज हम सीखेंगे पेन टूल. तो शुरू करते हैं. ये रहा आपका पेन टूल. आपके मैजिक पेन टूल के बिल्कुल नीचे इसकी शॉर्टकट की है P. आप अपने पेन टूल को शॉर्टकट की मदद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके आइकन पे क्लिक करके भी. जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपका माउस कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा पेन आइकन में और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आपका जो पेन है वो पेन टूल है वो सेलेक्टेड है. पेन टूल की मदद से आप ड्राइंग कर सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, तरह तरह की शेप्स बना सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं. पेन टूल जो है वो आपके ओपन पाथ और क्लोज पाथ दोनों बनाता है. कैसे देखते हैं. सबसे पहले एक ओपन पाथ बनाते हैं, ओपन पाथ बनाते हैं पेन टूल की मदद से और ये भी देखते हैं कि ओपन पाथ और क्लोज पाथ आखिर होती क्या है. आप किस तरह से ड्राइंग करेंगे पेन टूल की मदद से. अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक कीजिए कहीं भी जहाँ से आपको शुरू करनी है आपकी ड्राइंग इस तरह से और जैसे ही आप अपना माउस घुमाएंगे यहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो कि आपके कर्सर से अटैच होगी. ये लाइन रबर बैंड कहलाती है और ये आपको गाइड करती है, आपकी मदद करती है कि अब आप जब अपना अगला पॉइंट लगाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा और कैसा दिख रहा होगा उस वक्त. तो ये हर वक्त जिस भी डायरेक्शन में मेरा माउस कर्सर जाएगा ये उसी के साथ साथ रबर बैंड चलता रहेगा. इस तरह से आप क्लिक कीजिए, क्लिक करते जाइए और अपनी ड्राइंग बनाते जाइए. जब आपकी ड्राइंग फाइनल हो जाए और अब आप कहें कि बस मुझे इतना ही चाहिए और अब अगर आप अपने पेन टूल से इस रबर बैंड से जान छुड़ाना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस कर दें. तो ये आपकी पाथ रेडी हो चुकी है और ये है आपकी ओपन पाथ. यहाँ पे आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी और ये ज्वाइन नहीं है और ये है इसलिए आपकी ओपन पाथ. ये तो हो गई ओपन पाथ. अब क्लोज पाथ क्या होती है वो भी आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं. पेन टूल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद क्लिक. अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं अपने पेन टूल की मदद से तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी. शिफ्ट की प्रेस करें, यहाँ पे जल्दी से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से. और अब अगर आपको अपनी पाथ को क्लोज करना है तो अब आपको अपने स्टार्टिंग जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था जिस एंकर पॉइंट से वहीं पे क्लिक करना होगा. जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपकी शेप रेडी है. ये आपकी क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ आपकी शेप होती है. ओपन पाथ आपकी शेप नहीं होगी, क्लोज पाथ आपकी शेप होगी और आप इसको फिल कलर भी दे सकते हैं यहाँ से इस तरह से. तो ये तो हो गई ओपन पाथ और क्लोज पाथ. पेन टूल स्ट्रेट लाइन बना सकता है और कर्व भी बना सकता है. स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकता है, जैसे कि इतनी देर से हम बना रहे थे इस तरह से, ये है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन भी ये बना सकता है. किस तरह से, क्लिक करें और जब आप अपना दूसरा क्लिक करेंगे तो अपने माउस की क्लिक्स को रिलीज नहीं करना है, माउस को होल्ड करें और ड्रैग करें. अगर आपको नीचे की तरफ कर्व बनाना है तो ऊपर की तरफ ड्रैग करें और ऊपर की तरफ बनाना है तो नीचे की तरफ ड्रैग करें इस तरह से. और जब आप अपने कर्व से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप अपने माउस के क्लिक्स रिलीज कर दें. यहाँ पे देखिए आपका ये कर्व रेडी है. साथ ही आपको टू लाइंस नज़र आ रही होंगी. ये लाइंस आपकी हैंडल्स हैं और ये हैंडल्स आपके कर्व को एडजस्ट करने में मदद करती हैं. ये वाला जो हैंडल है ये आपके इस कर्व को एडजस्ट करेगा और ये वाला जो हैंडल है ये आपके आने वाले कर्व को एडजस्ट करेगा. अगर आपको और मज़ीद कर्व बनाना है तो आप बना सकते हैं. किस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी मेरे पास ऑलरेडी कर्व है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे दोबारा ड्रैग करूँ. अगर आप शार्प एंकर पॉइंट चाहते हैं तो आप ड्रैग मत करें. देखिए यहाँ पर आपको एक शार्प एंकर पॉइंट मिला और यहाँ आपको कोई हैंडल भी नहीं मिला. ये आपका कर्व बन गया है लेकिन यहाँ आपको कोई हैंडल नहीं मिला. अगर आप चाहते हैं आपको दोबारा से हैंडल मिले तो आप दोबारा से इसको ड्रैग करेंगे थोड़ा सा कर इस तरह से. जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से टू हैंडल्स मिल रहे हैं. उसके बाद आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल की मदद से. इसको सेलेक्ट करें, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप इसके कर्व्स को एडजस्ट करना चाहते हैं आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से आप इसके इंडिविजुअल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें. इसके आप कर्व को मूव भी कर सकते हैं और इसको हैंडल की मदद से एडजस्ट भी कर सकते हैं.
को डिलीट कर देते हैं। आप पेन टूल की मदद से बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। चले जल्दी से एक हार्ट शेप बनाते हैं। अपना पेन टूल ले लें, या तो शॉर्टकट की मदद से सेलेक्ट कर लें, या फिर उसके आइकन पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लें। क्लिक करें, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें। मुझे ऊपर की तरफ कर्व चाहिए तो मैं माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी, और अगर जब आपको नीचे की तरफ कर्व चाहिए तो आप ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लाएं ये। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हार्ट जो है उसकी दो साइड्स होती है, दोनों सिमिलर होती हैं। ये जैसे एक साइड बन गई, अब इसकी दूसरी साइड भी ऐसी ही होगी। लेकिन अब दूसरी साइड भी अगर मैं आप पेन से बनाऊंगी तो देखिएगा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाएगी मुझसे। ये देखिए, पेन से बनाएंगे तो वो कभी भी परफेक्ट कुछ और ही बन जाएगा, नहीं बन पाएगी। कितनी भी कोशिश कर लें वो परफेक्शन नहीं आ पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन। वो कैसे यूज़ करेंगे, रुके, जब आपने हाफ पार्ट बना लिया अपनी हार्ट शेप का, सिलेक्शन टूल ले लें, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। हमें चाहिए इसकी कॉपी, इसकी एक हमें चाहिए कॉपी। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से कॉपी ले लें, और वो रिफ्लेक्शन के साथ चाहिए हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए इस तरह से। तो अब हमें कॉपी चाहिए रिफ्लेक्शन के साथ, तो वो हम कैसे लेंगे, इसको सेलेक्ट करें, अपनी इस पाथ को सेलेक्ट करें। याद रखिए कि ये आपकी ओपन पाथ है, शेप नहीं है। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिफ्लेक्ट, इस पे जाएं। यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन चाहिए या फिर वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए। हमें वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसको एंगल बता दें, मेक श्योर आपका प्रीव्यू ऑन हो, या आपको मदद करेगा, ये आपको दिखाएगा कि अभी आपका क्या हो रहा है। देखें, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो ये शेप थी, और प्रीव्यू ओपन करें तो ये देखें हमें जो रिफ्लेक्शन चाहिए थी वो मिल गई। हमें ओके नहीं करना है क्योंकि हमें चाहिए कॉपी। अगर हम ओके कर देंगे तो देखिए इसने उसी शेप को रिफ्लेक्ट करके दे दिया, लेकिन हमें चाहिए थी कॉपी। इसको दोबारा से सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट, और इस बार यहाँ सेलेक्ट कर लें कॉपी। इस बार आपको यहाँ पे कॉपी मिल गई, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट की मदद से इसे ड्रैग करें ताकि स्ट्रेट लाइन में जाए, और इसको यहाँ ला करके रख दें। अब द हार्ट रेडी है, लेकिन ये शेप नहीं है, ये है दो पार्ट्स। ये देखें, एक पार्ट और ये दो पार्ट, ये शेप नहीं है। नीचे से देखें ये शेप नहीं है, ये देखें ये दो पार्ट्स हैं। अगर आप इसको पार्ट से शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको उसके ऊपर के दोनों एंकर पॉइंट्स और नीचे के दोनों एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने से पहले आपको इन्हें एवरेज करना होगा, एवरेज, ताकि ये दोनों मिल जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। किस तरह से करेंगे, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, सिर्फ नीचे के दो पॉइंट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, एवरेज, ये रहा आपके जॉइंट के नीचे, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपसे पूछे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ, यहाँ पे हमारे पास टू पाथ्स है, दो पाथ है ना, तो यहाँ पे हम बोथ सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर दें। देखिए ये एवरेज हो गया, राइट क्लिक, और अब ज्वाइन कर दें। ये देखें ये हो गया अब आपका ज्वाइन। इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ करें, ओके, फिर ज्वाइन कर दें। ये रहा, अब ये आपकी शेप है। आपको फिल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। ये आपकी हार्ट शेप रेडी हो चुकी है। जल्दी से कुछ और भी बना लेते हैं, क्योंकि पेन टूल बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। एक लीफ बनाते हैं, अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने इस तरह से क्लिक किया, इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन में क्लिक किया, इस तरह से मुझे इस तरफ, मुझे लेफ़्ट साइड की तरफ कर्व चाहिए तो मैं इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग किया इस तरह से, उसके बाद इस बार मैं शेप बना रही हूँ हाफ शेप ऑफ लीफ की। वैसे तो हाफ ये है, लेकिन मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, क्लोज पाथ बना रही हूँ, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। आप रिफ्लेक्शन सिर्फ ओपन पाथ पे ही नहीं कर सकते, बल्कि ओपन पाथ के साथ साथ आप क्लोज पाथ को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ से रिफ्लेक्ट में जाएं और कॉपी कर दें। इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट की मदद से इसको यहाँ ला के रख दें। आपकी लीफ शेप रेडी है। आप इसको कलर अप्लाई कर दें। इस वाली साइड को मैं लाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ, ये वाला, और इस वाली साइड को डार्क कलर, ये वाला। इनका स्ट्रोक बंद कर दें यहाँ से, इनका स्ट्रोक भी बंद हो गया। इसको ग्रुप कर लें ताकि आपको परेशान ना करें। इसकी कॉपी ले लेती हूँ इस तरह से। कॉपी लेने के बाद इसको इस तरह से रोटेट करें,
इसको भी करें, इसको यहाँ ला करके बिल्कुल इंटरसेक्ट करके एडजस्ट करके इस तरह से रख दें। ये आपके बन गई थ्री लीव्स। जल्दी से एक चीज़ और बना लेते हैं, पेन टूल लें, बल्कि इस बार स्क्वायर ले लें आप, स्क्वायर की मदद से आप स्क्वायर बना लें, आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। इस तरह से आप बना लें एक रेक्टेंगल, इसके नीचे के दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, इसको कर दें थोड़ा सा तरह से राउंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, पतला कर दें इस तरह से। दोबारा से रेक्टेंगल टूल लें, उसके बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ बना लें इस तरह से। इसको कलर अप दे दे, इसमें फिल कलर दे देते हैं, इसको ये वाला कलर दे देते हैं और इसमें लाइट दे देते हैं, लाइट ब्राउन। दोनों का स्ट्रोक बंद कर देते हैं, दोनों को पकड़ के ग्रुप बना देते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। राइट क्लिक, ग्रुप बना दें ताकि परेशान नहीं करें आपको। इन लीव को, सॉरी, इन तीनों लीव्स को पकड़ें, राइट क्लिक, ग्रुप बनाएं, इनको यहाँ ला के रखें, इनका साइज छोटा कर दें इस तरह से, इनको यहाँ ला के साइड में रख दें। आप और भी कई चीज़ें पेन टूल की मदद से बना सकते हो, जैसे कि लाइक लोगो जो होता है, अपना पेन टूल लें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ ऊपर की तरफ क्लिक करें, इसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करें, मज़ीद करें इस तरह से। जब ये आपका कर्व बन जाए, इतना आपने ड्रैग कर लिया, उसके बाद अपना माउस का बटन रिलीज़ कर दें, यहाँ पे इसके स्टार्टेड एंगल पॉइंट पे क्लिक करें, लेकिन अपने माउस को रिलीज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें नीचे की तरफ भी कर्व चाहिए। इसको ड्रैग करें इस तरह से, ये लीजिए आपका नाइक रेडी है, नाइक का लोगो आपको यहाँ पे रेडी हो गया। अब आप इसको फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ रख दें, आप और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। जल्दी से एक पेंसिल बना लेते हैं, इस तरह से जल्दी से एक पेंसिल बना लेते हैं। सॉरी, इसको सेलेक्ट करें। ये जो मैंने अभी स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया, या आप टूल की मदद से बना सकते हैं अपने रेक्टेंगल टूल की मदद से, लेकिन यहाँ मैंने अभी पेन टूल की मदद से बनाया है। तो यहाँ रखें, इसके नीचे के दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और इसको थोड़ा सा कर्व कर दें। ये पेंसिल के रेजर है, इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर दें, थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा नहीं। अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, इसको डाउन एरो की से एक दफ़ा डाउन कर दें, शिफ्ट के साथ कर लें, और एक दफ़ा इसको अप कर दें। उसके बाद अपना पेन टूल लें, जल्दी से यहाँ पे भी एक निब बना दें, उसके बाद इसको फिल कलर अप दे दें यहाँ से इस तरह से, इसको भी फिल कलर दे दें, ये ब्राउन, लाइट ब्राउन फिल कलर देना है, स्ट्रोक नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक लाइन और बना देते हैं इसमें बीच में इस तरह से, इसको भी फिल कलर अप्लाई कर देते हैं, ये ब्लू दे देते हैं इसको, इसके इरेजर को भी ये पिंक सा लाइट पिंक कलर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वहाँ का कलर अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करें और ग्रुप बना दें ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें, ये शेप्स आपकी इधर उधर ना जाएं। आपकी पेंसिल भी जो है वो अब रेडी है। चलिए दोबारा से इस बार हम हार्ट बनाते हैं, लेकिन इस बार हम हार्ट गाइड की मदद से बनाएंगे। गाइड की मदद से बनाने का क्या फ़ायदा होगा, इसकी मदद से हमारी अलाइनमेंट परफेक्ट होगी और बाद में हमें एवरेज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पहले रूलर्स ओपन कर लीजिए। रूलर्स कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल आर शॉर्टकट की है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। ये देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये है आपकी वर्टिकल रूलर, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें हॉरिजॉन्टल रूलर की ज़रूरत है, तो मैं वर्टिकल डिलीट कर रही हूँ। किस तरह से डिलीट करेंगे, अपना सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करें और डिलीट। अगर आप अपनी गाइड्स को लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से कर दे इसे लॉक। और हम लॉक इसलिए करते हैं ताकि बार बार इधर उधर ना जाए, परेशान ना करें। और जब आपको इसे अनलॉक करना हो, दोबारा राइट क्लिक करें तो लॉक ऑप्शन अनलॉक में चेंज हो जाएगा, तो आप अनलॉक कर सकते हैं।
हाइड करनी है, डिलीट नहीं करनी। अगर आपको हाइड करनी है तो आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, और शो करनी है वापस तो यहाँ से शो कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी गाइड्स को लॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे लॉक करना है यहाँ से। जब आपका रूलर्स का काम हो जाओ और अब अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, कंट्रोल आर प्रेस कर दें, ये फिर यहाँ से चली जाएंगी। जल्दी से हार्ट बना लेते हैं हमारे पेन टूल की मदद से। पेन टूल ले लें, क्लिक करें इस तरह से, ड्रैग करें इस तरह से, और यहाँ ला करके रख दें। ठीक है, सिलेक्शन टूल ले लें अपना, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट और कॉपी को सेलेक्ट करें, इसको यहाँ ला करके ठीक से अलाइन करके रख दें। आपका हार्ट रेडी है, जल्दी से इसको शेप बना देते हैं, नीचे के दोनों पॉइंट्स पा जाए। अब आप ये देखिए पहले ही से इंटरसेक है, एवरेज है, तो हमें ज़रूरत नहीं है करने की। अगर मैं अभी करूँगी तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, देखिए कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो गाइड्स हमें अलाइनमेंट के लिए ही काम आती हैं। राइट क्लिक करें, इसको ज्वाइन कर दें, ऊपर के दोनों पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ज्वाइन। ठीक है, इसको भी आप फिल कलर अप्लाई कर दें यहाँ से इस तरह से, तो छोटा करें यहाँ ले जा करके इस तरह से इसे भी रखते हैं। आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इसी तरह अपने पेन टूल की मदद से। ठीक है, ये तो सिर्फ थोड़ी सी ही शेप्स मैंने बनाई है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। जब आपका गाइड का काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे डिलीट कर दें, पहले इसे अनलॉक कर दीजिएगा अगर लॉक हो, फिर से सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। पेन टूल के अंदर आपको मज़ीद टूल्स मिल जाते हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। ये सबसे पेन टूल के बाद आपको मिल रहा है एड एंकर पॉइंट टूल। एड एंकर पॉइंट टूल नाम से ही जाहिर है कि वो एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है जहाँ आपको नीड हो। जिस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसको सेलेक्ट करें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइन यहाँ से नीचे चाहिए, यहाँ से ऊपर चाहिए, तो इसके लिए आपको एंकर पॉइंट की ज़रूरत होगी क्योंकि आप सिर्फ दो एंकर पॉइंट हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करें तो आपको सिर्फ दो एंकर पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप मोर एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, अपना एड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें। आप इसकी शॉर्टकट की प्लस है, आप शॉर्टकट की से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने एक यहाँ ऐड किया और एक मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया। अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और अब आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप मोर एंकर पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपना ऐड एंकर पॉइंट टूल लें यहाँ से इस तरह से, यहाँ ऐड करें और फिर आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है एंकर पॉइंट्स तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको पहले सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपको इसी के नीचे आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्टकट की है माइनस, तो आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से। ये माइनस करें, आप भी माइनस करें, ये भी माइनस करें, आपके माइनस हो गए। अब आ रहा है आपका एंकर पॉइंट टूल जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट सी। अगर आपको कर्व बनाना है, फॉर एग्जांपल ये है एक स्ट्रेट लाइन, आप इसका कर्व चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो अपना एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें और ऊपर की तरफ ड्रैग करें। नीचे की तरफ कर्व बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ड्रैग करें इस तरह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।